और खमरिया से स्टेट में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। घुटन महसूस होने पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी रिसाव रोकने पहुंचे, जो बेहोश हो गए। रात में मचे हड़कंप के बाद महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना में असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। कर्मचारी आवास के पास बने पुराने पंप हाउस से गैस रिसाव हो रहा था। यहाँ पानी साफ करने वाली क्लोरीन गैस के सिलेंडर रखे रहते हैं। रात में असामाजिक तत्व पाइपलाइन को खोल दिया, जिसकी वजह से यह रिसाव हुआ है। क्या घटना घटी, क्या अब तक इस पर कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? ये कल शाम जब 6 बजे मैं ड्यूटी से आया तो मेरे रूम में वो उसकी स्मेल आ रही थी, एक गैस की। मैं सोचा कि किस टाइप का यह है, तो उस टाइम मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर फ़ोन आया मेरे ऑफिसर का, बोला कि देखो वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम आई है, कुछ क्लोरीन गैस का वो रिसाव उसा हुआ है। तो पता चला कि यहाँ बहुत पुराना एक कोई वो वाटर सप्लाई का एक वो है और प्लांट है, तो यहाँ से कुछ घटना घटी। फिर यहाँ से रिसाव हो रहा था, तो वहाँ पे जब फायर ब्रिगेड की टीम और क्रू जब वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। फिर उसको खोला गया, खोलने के बाद जब सिलेंडर को बाहर निकाला तो तेज़ स्मेल आई। फिर उसके बाद वो लोग खांसी से आने लगे उन लोगों को। फिर उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर मैं 11:30 तक यहाँ था, फिर मैं भी रूम आ गया। फिर और अधिकारी लोग पहुँचे, हमारे बड़े अधिकारी, तो उनने फिर वो जो घटना का जो सिलेंडर गैस था उनको उन लोगों JCB से खुदाई करके उन लोगों को उनको डंप कर दिया। और सुबह में फिर उसको कास्टिक सोडा के साथ उसको गैस रिसाव के कुछ कारण समझ में आ रहे हैं, क्यों हुए हैं गैस रिसाव? अब ये तो हम लोग को कुछ ऐसा आइडिया नहीं, अब बाकी इंक्वायरी की टीम जो भी रहेगी पता चलेगा वहाँ से। अपना नाम बताएं? मेरा नाम देव कुमार है। क्या है आप? मैं एक कार्यक्षक पद पर नियुक्त हूँ। यहाँ पर क्लोरीन गैस के सिलेंडर में रिसाव हुआ है, उसी के रेस्क्यू के लिए, उसी के कोई फैले ना ज़्यादा गैस, उसी की रोकथाम के लिए हम लोग कल रात को 8:30 बजे से लेके अभी तक तत्पर लगे हुए हैं यहाँ पे काम में। कहाँ किसी गैस का रिसाव हुआ? ये खमरिया में ये Type 3 के पीछे हुआ, ईस्टलैंड साइड में। और ये फिल्टर हाउस की मतलब ऑफिस है, उसमें ये पानी साफ करने के लिए जो अपना पानी पीने के लिए होता है वो साफ करने के लिए यहाँ पर ये क्लोरीन सिलेंडर लगा हुआ था, उसमें रिसाव हुआ है। अब तक कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ियों से भजा चुका है उन चीज़ों से? हम वहाँ कल से लगातार फायर ब्रिगेड गाड़ी आ रही हैं, आसपास का एरिया में पानी मार के हम लोगों ने ठंडा कर दिया है, ताकि अगर कोई अग्नि दुर्घटना हो तो वो दूर तक फैलाव ना हो पाए और आग फाग कहीं ना लग पाए और कोई ख़तरा ना हो पाए। हम इसलिए भी यहाँ पर मुस्तैद बैठे हैं और हमारे साथ सिक्योरिटी भी है, मतलब कोई अपरिचित लोग, कोई अनजान लोग वहाँ उस घटना स्थल पर न जाए। जहाँ पर ये लगने का कारण क्या है और कब आग लगी, इसमें गैस रिसाव हुआ है? हम लोगों को इसकी जानकारी कल शाम 6:30 बजे मिली कि यहाँ पर कुछ महक आ रही है, तो फिर हम लोग यहाँ आए, देखा एका तो कहीं समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आया कि ओडली ऑफिसर का कि आप दोबारा देखिए आके, इधर जंगल साइड आ रही है। तब हम लोगों ने इसको सब स्टेशन पर जाके देखा तो वहाँ पर एक साइड दीवार टूटी हुई थी, तो दीवार से कोई चोरी वोरी की दृष्टि से घुसा है उसमें, और वो उसने वो उसका जो मेन बाल्ब होता है उसको तोड़ दिया, तो वो गैस रिसाव होने लगी। गैस रिसाव होने लगी तो फिर हम लोग आए, फिर उसको गेट वेट सामने से खोला, शटर खोला और उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया ताकि गैस का रिसाव और ज़्यादा ना हो, और उसके रोकथाम का कोई उपाय बचा नहीं था। इसके अलावा जनहानि हुई गैस में? जनहानि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी हमारी फायर टीम को, और कुछ लोग आए थे जिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये कौन सी गैस है, ये घातक भी हो सकती है, हमारे फेफड़ों को भी लंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनके साथ थोड़ी दिक्कत हुई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अपना नाम बताएं? मेरा नाम संजीव कुमार, फायरमैन OFK खमरिया। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।